यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे के कथित एनकाउंटर से उन पुलिस वालों के परिजन बेहद खुश हैं, जिनकी हत्या विकास और उसके गुर्गों ने कर डाली थी। इन्हीं में से एक जितेंद्र सिंह के माता पिता ने कहा कि विकास की मौत की खबर सुनकर उन्हें तसल्ली मिली, वो विकास का ऐसा ही अंत चाहते थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही एनकाउंटर की खबर आई, सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया। जितना मुझे घमंड था अपनी यूपी पुलिस पे, और कल भी मैंने ये कहा था कि यूपी पुलिस से ज़्यादा सशक्त कौन है, एक आर्मी के बराबर होदा रखती है, आज मैं उस पर बहुत बड़े घमंड के साथ कहूँगा कि आज उन्होंने जो फैसला किया, आज मेरी आत्मा को सांत्वना मिली है और मैं बहुत अपने प्रशासन को, यूपी प्रशासन को, योगी सरकार को, सबको धन्यवाद अदा करूँगा। बस और इससे ज़्यादा कुछ मेरे पास में ये शब्द नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज 2 कप चाय मैंने अपनी बीवी के साथ बैठ के पी है, 1 बीवी को पिलाई, 1 अपने आप को पिलाई। आज विकास दुबे जो ढेर हुआ है, क्या कहेंगे सर मामले को लेकर? लगता है कि कहीं ना कहीं शहीद को, जितेंद्र को न्याय मिला है। बहुत अच्छा हुआ है, जिसने मारे थे वो मर गया, अब हमें इससे आगे कुछ नहीं कहना। हमारे बेटे गए हमें पता है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, जो मर गया उसे तो मरना ही था, बस इससे आगे हमें कुछ नहीं कहना है। हम यही चाहते थे, वो हो गया। बढ़िया काम किया है सरकार ने, हमें बहुत विश्वास है। देश में शुक्रवार को कोविड 19 के एक दिन में सर्वाधिक 26,506 नए मामले सामने आए, जिसके साथ यहां कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 7,95,728 मामले हो गए, यानी बहुत जल्द यह आंकड़ा 8 लाख को पार कर जाएगा। कोविड 19 के 475 और मरीजों की मौत के साथ देश में संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 21,634 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा से ये जानकारी मिली। शुक्रवार सुबह 10 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमित 2,77,495 मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि अब तक करीब 62.42% मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी कुल 4,96,038 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक जिन 475 लोगों की मौत हुई, उनमें सबसे ज्यादा 219 मौतें महाराष्ट्र में हुई, इसके बाद तमिलनाडु में 65 और तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 45 लोगों की जान गई। राज्य के आंकड़ों में भी यही 3 राज्य पहले 3 नंबर पर हैं। महाराष्ट्र में जहां कुल मामलों का आंकड़ा 2,30,000 को पार कर गया, वहीं तमिलनाडु में 1,26,000 और दिल्ली में 1,07,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी से अब तक 5,57,416 लोगों की जान जा चुकी है। अब एक ताजा शोध से खुलासा हुआ है कि कोरोना महामारी और उसके प्रसार को रोकने में दुनिया को करीब $3.8 trillion खर्च करने पड़े। यही नहीं, कोरोना महामारी की वजह से करीब 14,70,00,000 लोगों की नौकरियां चली गईं। सिडनी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने ये विस्तृत आंकड़ा जारी किया है। शोध में कहा गया है कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा ट्रेवल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह ये रही कि कोरोना की वजह से उड़ानों को रद्द कर दिया गया और दुनिया भर के देशों, खासतौर पर एशिया, यूरोप और अमेरिका ने अपने दरवाजे पर्यटकों के लिए बंद कर दिए। वास्तव में दुनिया भर में उड़ानों के रद्द होने से ही आर्थिक संकट पैदा हुआ। इससे व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा और वित्तीय सेक्टर में बड़ी उथल पुथल मच गई। शोध के मुताबिक कोरोना काल में दुनिया की खपत 4.2% कम हो गई, जो करीब $3.8 trillion है। ये जर्मनी के कुल GDP के बराबर है। हालांकि कोरोना वायरस का एक सकारात्मक संकेत भी आया है। कोरोना की वजह से मानव इतिहास में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में अब तक की सबसे ज्यादा कमी आई है, यानी कोरोना काल में सबसे ज्यादा फायदा पर्यावरण को हुआ है। नेपाल के सिंधुपाल्चोक जिले में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ में कई मकान ढहने से एक बच्चे समेत कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग लापता हो गए। इन तस्वीरों में देखिए कैसे बाढ़ का उफनता पानी कुछ घरों को अपने साथ बहा ले गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 शव बरामद किए गए हैं, जबकि बहराबाइस नगर पालिका क्षेत्र के जम्बू इलाके में स्थानीय जल स्रोतों में पानी का स्तर बढ़ने से कम 18 लोग लापता हो गए। मृतकों की पहचान कर ली गई है, इनमें एक 3 साल की बच्ची भी शामिल है। अधिकारी ने बताया कि नेपाली सेना ने घटना में घायल हुए 3 लोगों को इलाज के लिए
काठमांडू ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर को काम पर लगाया है। इस बीच नेपाल के मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। किम जोंग उन की बहन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए कहा है कि अब दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता नहीं होगी। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की बहन ने शुक्रवार को कहा कि इस साल उन्हें उनके भाई की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने की उम्मीद नहीं है। किम यो जोंग ने कहा कि उत्तर कोरिया के पास ट्रंप को हाई प्रोफाइल बैठकों का तोहफा देने की कोई वजह नहीं है, जबकि उसे इसके बदले में कुछ भी ठोस नहीं मिल रहा है। किम जोंग उन की बहन के हवाले से उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बयान जारी किया। तानाशाह की बहन ने कहा कि अगर शिखर वार्ता की जरूरत होती है तो यह अमेरिका की जरूरत होगी, जबकि उत्तर कोरिया के लिए ये अव्यवहारिक है और इससे हमें कोई फायदा नहीं है। आपको बता दें कि किम यो जोंग अपने भाई की विश्वास पात्र हैं और हाल फिलहाल में वो उत्तर कोरिया के मामलों में काफी सक्रिय नजर आई हैं।